जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों को एक ऐसा जुगाड़ दिखाने जा रहा हूं जो कि अगर आप मोटर वाइंडिंग करते हैं, जो बड़े बड़े मोटर वगैरह बनाते हैं, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वह जुगाड़ दिखाने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर हमारे मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएँ। तो दोस्तों आज का जो जुगाड़ है दोस्तों, अगर आप लोग भी इसे खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जुगाड़ आप लोगों को हम दिलवा देंगे या तो हम खुद दे देंगे। तो दोस्तों ये कौन सी जुगाड़ है, तो चलिए अब हम आपको दिखलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो जुगाड़ आप देख रहे हैं दोस्तों, यह एक कूलर है जिससे कि आप वायरिंग भी खोल सकते हैं और साथ में जितना भी बड़े बड़े मोटर होता है सभी का वायरिंग और एम्पेलर एक साथ निकाल सकते हैं। तो अब दोस्तों इस कूलर के विषय में हम बतलाएंगे कि ये कौन सा कूलर इस टाइप का ओरिजिनल होता है और कौन सा डुप्लीकेट होता है। तो चलिए अब इसके विषय में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस कूलर की बात कर ले तो ये दोस्तों 12 इंच में है, यानी कि 12 इंच लंबा है दोस्तों। इसका लंबाई 12 इंच है और दोस्तों इसका फैलाव जो होता है, यानी कि इसका जो ये तीनों लेग जो फैलेगा दोस्तों, ये 300 mm तक ये कवर करेगा, यानी कि फैलता है। और ये दोस्तों देख सकते हैं कि इस पे इसका सारा डिटेल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये 300 mm तक इसका फैलाव होता है। दोस्तों मैं किसी कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं इस कूलर की विशेषता बतला रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये कूलर जब हम खरीदे थे और एक मेरा साथी भी खरीदा था, लगभग दोस्तों हम लोग इसको काफ़ी दिन यूज करने के बाद इसका रिजल्ट अच्छा होने के कारण ही आप लोगों के सामने इसका वीडियो हम लेकर के आया हूं। वैसे दोस्तों अगर ये फेलवेयर होता तो इसका वीडियो हम आप लोगों के सामने कतई लेकर के नहीं आता। और दोस्तों यह कूलर अगर आप बड़े बड़े 2 HP वगैरह का मोटर अगर वाइंडिंग करते हैं, अगर उसका एम्पेलर वायरिंग वाटर सील वगैरह अगर चेंज करने का प्रोसेस आता है, तो उस टाइम में दोस्तों ये कूलर आपके काम में आ सकता है और आता है दोस्तों 100%। अन्यथा आपको कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा करके एम्पेलर वगैरह खोलना पड़ता है, जैसे कि हमने कई वीडियो में आपको दिखाया हूँ कि बिना कूलर का जुगाड़ से कैसे एम्पेलर वगैरह खोला जाता है। लेकिन दोस्तों वह उतना कारगर नहीं होता है, उसमें दोस्तों टूटने का फूटने का डर भी बना रहता है। और दोस्तों एक अच्छे कारीगर का ये काम नहीं होता है कि आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी हर वक्त ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों उसमें मोटर के ऊपरी हिस्सा में और कई जगह ठोकर लगने से दाग उग भी आ जाता था और क्रैक होने का भी चांस रहता था। तो इसलिए दोस्तों ये कूलर से अगर आप खोलते हैं तो आपका बेटर रहेगा और दोस्तों कहीं भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर इस प्रकार का आप अगर मार्केट से कूलर खरीदिएगा तो एक चीज़ हर वक्त ध्यान में रखिएगा कि इसका जो ये स्पेंडल होता है दोस्तों, ये स्पेंडल आपको ब्लैक कलर का लेना है और ये ब्लैक लोहे का ही लेना है, क्योंकि दोस्तों इस पे जो आपका ये चूड़ी यानी कि थ्रेड काटा हुआ रहता है तो ये स्क्वायर थ्रेड होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये स्क्वायर थ्रेड वाले जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर आप प्लेन थ्रेड में लीजिएगा या मही गुना में लीजिएगा, मही थ्रेड में, तो आपका दोस्तों काम का नहीं आएगा, वो जल्द ख़राब हो जाएगा। इसका रिजल्ट दोस्तों बेहद ही अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों ये स्क्वायर स्पेंडल वाले मैं एक छोटा सा कूलर जो कि वायरिंग निकालने के लिए कवर से वायरिंग निकालने के लिए यूज करता हूं, उसको लगभग दोस्तों मैं 2 साल से यूज कर रहा हूं, अभी तक दोस्तों इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इससे दोस्तों दोनों तरफ का वायरिंग निकलता है, 62-01 और 62-02। इसमें भी देखिए दोस्तों, ये ब्लैक कलर का इसका स्पेंडल है, यानी कि ब्लैक लोहा से बना हुआ है। और देखिए इसमें भी स्क्वायर थ्रेड है, इससे दोस्तों मैंने काफ़ी वायरिंग चेंज किया हूं, तो इससे दोस्तों आपका ये जल्द ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर थ्रेड जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि स्क्वायर गुना जो होता है चूड़ी, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो स्क्वायर चूड़ी वाले ब्लैक कलर में ही आप खरीदें। और इसका बात मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों कि इससे दोस्तों आप एम्पेलर खोलने के काम में और वायरिंग खोलने के काम में भी ला सकते हैं। तो जैसे तो दोस्तों आपका इस प्रकार का मोटर हो, इस प्रकार का मोटर हो, इस प्रकार का हो, चाहे इस प्रकार का हो,
चाहे इस प्रकार का हो, मतलब जितना भी प्रकार का मोटर आप दोस्तों देख रहे हैं सभी का, ये जो एम्पेलर होता है और ये जो बायरिंग होता है, ये दोनों सापट से बायरिंग निकालने के काम में और एम्पेलर निकालने के काम में आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, और दोस्तों इसके आगे का हिस्सा में जो आप इसको घुमाइएगा तो इसमें दोस्तों आपको 19 नंबर का गोटी या 19 नंबर का साइज रिंच का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसका ऊपर वाले बेस में 19 नंबर का ही गोटी या स्क्वायर या साइज रिंच लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये बेहद ही अच्छा है और ज़्यादा हेवी भी होता है, और इसको अपने शॉप पे इस प्रकार से रखने से एक लुक भी आपको देगा ये। तो ये दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार का एम्पेलर पुलर और बैरिंग पुलर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको, मैं जहाँ से ख़रीदता हूँ उसका डायरेक्ट आपको कांटेक्ट नंबर दे दूँगा, या आपको वहाँ से ख़रीदने में कोई शक हो तो आप डायरेक्टली हमसे भी ले सकते हैं। इसमें दोस्तों हम कोई भी आपसे मुनाफा नहीं लेंगे, डायरेक्ट आपका हेल्प कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के वीडियो में दोस्तों आपने इस जुगाड़ के बारे में देखे, जो कि बायरिंग पुलर हेस्टर बजरंगी टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल पे अभी आपने देखे कि यह बायरिंग पुलर कितना अच्छा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्तों कमेंट कीजिए, अगर आपका कोई भी राय हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताएं। अगर आप लोग ऐसा पुलर देखे होंगे तो भी बताइए, या पुलर अच्छा होता है या नहीं होता है तो ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।